हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। और देखिए ना फ्रेंड्स, आज मैं अपना जो ब्लॉग है ना, बिल्कुल मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। तो उठने के बाद ना, मैं सबसे पहले अपने हाथों को देखती हूँ, मंत्र पढ़ती हूँ, भूमि पूजन करती हूँ, और फिर उठने के बाद ना पानी अंदर रख के आती हूँ। और जब तक मैं ना पानी गर्म हो जाता है, अपना दरवाज़ा बाहर खोल देती हूँ। सुबह सुबह हमें वैसे भी ना अपना दरवाज़ा जल्दी खोलना चाहिए, और आज वैसे भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और उसके बाद फिर मेरा पानी हो जाता है गर्म, तो बाहर वाले कमरे में आके बैठ जाती हूँ पानी, और घूंट घूंट करके ना पानी को पीती हूँ। पानी बहुत ज़रूरी रहता है सुबह सुबह गर्म पानी ना एकदम से। और उसके बाद जो है फिर अपना जो है सारे काम मेरे शुरू होते हैं। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह वैसे भी बाहर घूमना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश हवा होती है, ताज़ी ठंडी हवा। और ऐसे में ना अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान भी देना पड़ता है, तो मैं फ़िटनेस के लिए यहाँ वहाँ कहीं पे भी नहीं जाती हूँ। अपने घर का जो ये आंगन है ना, मेरा गैलरी जिसको बोलते हैं, वो ये छोटी सी गैलरी काफ़ी है, यहीं पर मैं घूमती हूँ। और उसके बाद ना छोटी मोटी एक्सरसाइज भी मैं यहाँ पर बाहर ही कर लेती हूँ। एक्चुअली हमारा घर जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल साइड में, यहाँ ज़्यादा जो है ना आना जाना किसी का होता नहीं है, ना ही लोग यहाँ पर ज़्यादा देखते, तो इसलिए ना मैं बाहर ही यहाँ गैलरी में इस तरह से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और फिर अपनी फिटनेस का भी हो जाता है मेरा इसी तरह से। और उसके बाद जो है फिर आ गई थी मैं छत के ऊपर, क्योंकि छत के ऊपर ना आजकल पानी देखना बहुत ज़रूरी था। और सुबह सुबह ही मैं छत के ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह हमारा जो पानी है ना वो भी आता है। और अगर छत के ऊपर क्यारे अगर सूख जाते ना, तो मैं फिर टैप से जो है अपनी पाइप लगाती हूँ और अपने क्यारों को यहाँ भरने का काम करती हूँ। और इतना बड़ा छत है, तो छत को खेत के क्यारों को भरना देखिए बहुत टाइम लगने वाला काम है। और सुबह सुबह कितना टाइम होता है हमारे पास, स्कूल जाने तक का जो टाइम होता है कितना कितना कम टाइम होता है, और काम इतने ज़्यादा होते हैं कि पूछो मत, फिर भी करने तो पड़ते ही हैं सारे। और वैसे तो ये काम जो है ना मैं श्रीमान जी को देती हूँ, मैं सिर्फ पाइप लगा के जाती हूँ और श्रीमान जी को भेजती हूँ फिर कि आप जो है ना वहाँ देखा है। बट आजकल थोड़ा श्रीमान जी अस्वस्थ चल रहे हैं ना, तो फिर मैं खुद ब खुद कर लेती हूँ उनको कि चलो आप रेस्ट कर लो। और पाइप के साथ तो मैं पानी दे रही हूँ, साथ साथ में टंकी साथ है, तो उससे ना मैं बाल्टी से पानी निकाल निकाल के आधे क्यारों को मैं ऐसे ही भर देती हूँ। और ऐसे करके ना मेरा टाइम जल्दी हो जाता है, जल्दी जो है मेरे क्यारे भर जाते हैं। और उसके बाद फिर अंदर भी बहुत सारा काम रहता है अकेले अकेले करने के लिए, तो ये मेरा काम जो है ना कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो क्यारों को पानी तो हो गया था ना, उसके बाद फिर जो मेरा काम रहता है ना वो रहता है आग जलाने का। तो मैं यहाँ पर ना यहाँ आग जला के जाती हूँ फिर अंदर, कि जब तक मैं अंदर वाले काम निपटाऊंगी ना, तब तक हमारा नहाने का पानी भी जो है गर्म हो जाएगा। तो हम डेली ना इसी पानी से नहाते हैं, बाहर गर्म करते हैं, और मतलब गीज़र का पानी यूज़ नहीं करते, रॉड का पानी यूज़ नहीं करते। और वैसे भी गीज़र और रॉड के पानी से ना थोड़ा सा एलर्जी होती है, तो उसके लिए ये रहता है। बट आजकल थोड़ा सा इन लकड़ियों में ना नमी है, तो सुबह सुबह लकड़ियों इनको जलाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे आग जलाने में। और मैं देखिए बाहर क्यारों को पानी देकर भी आई हूँ, और श्रीमान जी अभी सो रहे हैं। एक्चुअली इनकी तबीयत थोड़ी ढीली है, तो चलिए इनको उठाने के लिए ना मुझे बनानी पड़ेगी चाय। तो चाय तो मैंने रख दी थी, और साथ साथ मैंने तब तक मेरी चाय बनेगी, ये जो मैंने दाल ना चने भिगोने के लिए डाले हैं ये मैंने डाल दिए हैं उबलने के लिए। और ये जो मेरा पानी था ना चनों का, इनको मैं ऐसे वेस्ट नहीं करती, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिला दिया ना, और इनको ले जाकर मैं अपने जितने भी पौधे हैं ना छोटे छोटे, उन पौधों में थोड़ा थोड़ा जो है ना इनको डाल देती हूँ। ये बिल्कुल खाद का ही काम करते हैं, तो मुझे बाहर से एक्स्ट्रा खाद ना इन पौधों को देनी नहीं पड़ती है। और ये जो पौधे इतने सारे आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही प्यारे हैं और मुझे बहुत प्यारे हैं। और मैं इनको ना कहीं से ख़रीद के नहीं लाती, किसी नर्सरी से मैं खरीद के नहीं लाई उनको। मैं जब भी कहीं पर भी जाती हूँ, चाहे घूमने के लिए जाती हूँ, चाहे किसी रिश्तेदार के घर में जाती हूँ, जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ ना, वहाँ से मैं एक पौधा ज़रूर लेकर आती हूँ, चाहे फूल का हो चाहे कैसा भी पौधा, और यहाँ पर ला कर ना डब्बों में उनको लगा देती हूँ। तो ये पौधे ना मुझे हर एक उस जगह की, उस रिश्तेदार की याद दिलाते रहते हैं जिनके यहाँ से मैं इनको लेकर आई हूँ। तो देखिए बिना नर्सरी गए हुए ना कितने सारे पौधे मेरे आंगन में जो है बाहर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये ना एक मेरी आदत सी हो गई है कि जहाँ कहीं पर भी जाए ना एक पौधा चोरी करके लेकर आ जाओ और अपनी यहाँ पर ना लगा दो जी, तो आपके पास फ्री में इतने सारे पौधे हो जाएंगे। और ये अश्वगंधा का पौधा मैंने ना इस बार लगाया है, और इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की तरह ना मैं इनका बिल्कुल पालन पोषण करती हूँ, दो टाइम इनको अच्छा सा पानी देती हूँ, और इनकी टाइम टाइम पे कटिंग वगैरह सब कुछ ना करती रहती हूँ, तभी ये अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। और फिर अंदर आके ना देखिए श्रीमान जी को भी उठा दिया था, चाय दे दी थी, और उसके बाद फिर ना श्रीमान जी को मुझे भेजना पड़ेगा घर से बाहर।
और अगर श्रीमान जी घर में अंदर ही बैठे रहेंगे ना तो मेरा सारा काम रुक जाता है, क्योंकि भाई बेड के ऊपर बैठे रहेंगे तो मेरा जो बेड है वो मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए ना मैं उनको बाहर भाने से, घूमने के भाने से भेजती हूँ कि आप ना थोड़ी देर फ्रेश हवा में, ताज़ी हवा में घुमाओ, और जब तक वो बाहर घूम के आते ना तब तक ये मेरी साफ़ सफाई का जो काम होता है ना बेड का, उसको झाड़ना, बेड को ठीक करना, ये सारे के सारी चीज़ें। और साथ साथ में ना उनके आने से पहले पहले ना मैं खिड़की खोल देती हूँ, नहीं तो फिर वो मुझे खिड़की खोलने नहीं देते, वो बोलते मुझे ठंड लग रही है। तो ना मैं पहले उनके आने से पहले ये सारे के सारे काम ना निपटा लेती हूँ कि फिर वो ना कुछ बोले ना मुझे। तो बेड भी मेरा फ्रेंड्स हो चुका है साफ, खिड़कियाँ मैंने खोल दी है, और श्रीमान जी चाय पी के बाहर गए बेड छोड़ के। तो उनके जाने के बाद जो है फिर मैंने बेड वगैरह साफ़ कर लिया, और जब तक वो बाहर से आएंगे तब तक मैं झाड़ू पोछा जो है अपना निपटा लूँगी। तो ये काम फ्रेंड्स ये सारे हो गए मेरे। और आजकल श्रीमान जी की तबीयत थोड़ा ढीली चल रही है, इसलिए बाहर का काम भी ना खुद ही देखना पड़ता है, क्यारों को पानी वगैरह देने का काम, और फिर जो है सिर्फ उनको बाहर चेक करने के लिए भेजती हूँ कि कोई बच तो नहीं गया, क्योंकि पानी भी ठंडा होता है तो ज़्यादा उसमें उनको नहीं चला सकती। और ये जो फ्रेंड्स रूटीन है सभी लेडीज़ का एक जैसा ही रहता है, बट हम जो ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। हम ना जो हमारा जो परिवार है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और मेरा जो परिवार है वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और उस सब चीज़ के लिए ना मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा, और आपके सपोर्ट के बिना तो वैसे भी हम लोग कुछ नहीं होते हैं। आपका जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक एक यूट्यूबर जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो प्यार सपोर्ट आप कर रहे हैं उसके लिए एक बार वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। और फ्रेंड्स कितना सारा काम रहता है ना सुबह, सभी को रहता है, बट वो होता है टाइमिंग सबकी अपनी अलग अलग होती है। आज तो मेरा जो रूटीन है, आज मैं थोड़ा वैसे भी लेट हो गई हूँ, 5:30 बजे उठी, क्योंकि लेट नाइट सोई तो फिर थोड़ा सा लेट जो है ना मैं उठी। उसके बाद जो फिर मेरा रूटीन रहता है ना, थोड़ी सी अपनी फिटनेस के लिए, थोड़ा सा अपने क्यारियों के लिए, अपने प्लांट्स के लिए, सबके लिए जो छोटा थोड़ा थोड़ा जो टाइम मैंने डिवाइड किया होता है ना, वो सारे काम मैं उस टाइम पीरियड में कर लेती हूँ, और एक साथ जो है ना बहुत सारे काम करती हूँ। उससे जो है ना मेरा काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, और सारे काम करने पड़ते हैं, साफ़ सफाई भी घर की ज़रूरी है, वो भी करके जाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर आपको पता ही है ना फ्रेंड्स हमारे बहुत कच्चा है और आजकल बहुत कीचड़ होता है, तो डेली झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता है। पोछा तो दो दो टाइम लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मिट्टी वाले पैरों से हम लोग अंदर आ जाते हैं ना, तो उसी से। तो ये तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम हमारी है, चली ही रहेगी, तो इसके लिए हमारा यही सॉल्यूशन है कि करते रहो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी ये ज़्यादा बातें नहीं हम कर सकते, चलते हैं आगे और करते हैं अपना सारा फटाफट से काम, और फिर जाना है स्कूल। तो सुबह सुबह इतनी भागम दौड़ होती है ना, क्योंकि सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने तक कितनी भागम भाग होती है, हर एक काम निपटाना पड़ता है, झाड़ू पोछा हर एक चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि भाई बिना झाड़ू पोछे के तो घर को साफ़ नहीं किया जा सकता, पूजा पाठ नहीं की सकती, तो वो तो सारी चीज़ें डेली कंपल्सरी होती है। और बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं ना जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बट होते बहुत ज़्यादा काम है, तो सुबह इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले देखा अकेले आदमी काम करेगी रिकॉर्डिंग करेगा, और साथ साथ में जो एक टाइम का स्पेशल वो होता है, पर उसमें भी देखिए मैंने सारे का सारा जो है ना ये साफ़ सफाई कर दी, यहाँ की अंदर की बाहर की, इवन बाहर लॉन की भी जो है ना पूरी साफ़ सफाई कर दी होती है। और ये देखिए श्रीमान जी भी ना अब बाहर से आ रहे हैं बकेट ले कर पानी लेकर। तो योगा व्यायाम होने के बाद ना श्रीमान जी का टाइम होता है दूध का, और दूध के साथ उन्हें कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए देना पड़ता है, तो कभी मैं उन्हें केला दे देती हूँ, कभी मैं उन्हें बादाम वगैरह दे देती हूँ, जो भी चीज़ अवेलेबल होती है ना वो मैं दे देती हूँ। और उसके बाद ना फिर खा पी कर जो है वो बाहर आ जाते हैं, बाहर जो भी काम होता है ना उनको दिखाई देता है, बस वो उसको करने में लग जाती है, और मैं अपने काम में ना अंदर ब्रेकफास्ट सारे काम हो गए हैं फ्रेंड्स, नहा धो के रेडी भी हो गई हूँ, और अब जो है लास्ट मेरा काम बचता है चपाती बनाने का। तो बस यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी चपाती बन रही है, ये देख सकते हैं आप, और ये मैं गैस के ऊपर ही चपातियाँ अपनी अक्सर सेकती हूँ कपड़े के साथ, गैस के ऊपर नहीं डालती, तवे के ऊपर ही सेकती हूँ, क्योंकि गैस्ट्रिक को प्रॉब्लम हो जाती है गैस के ऊपर सेकने से, डायरेक्ट अगर हम गैस के ऊपर सेकते ना चपातियाँ तो गैस्ट्रिक होती है बहुत ज़्यादा, और आजकल के ज़माने में ना तो सभी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो उससे अपने परिवार को बचाने के लिए ना मैं ये काम करती हूँ। टाइम बेशक थोड़ा ज़्यादा लगता है बट सेफ रहती है, हेल्दी रहती है।
तो फ्रेंड्स ये चल पड़ी हूँ, और अभी हाथ में भी देखिए बॉडी लोशन लगा रखा है हाथों में मलने के लिए। बस अब मैं चल पड़ी हूँ स्कूल के लिए, और आज धूप भी निकल गई, अच्छा मौसम हो गया है।